गिरफ्तारी और साथ ही ईडी रिमांड कॉपी सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासत भी तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। तो आप नेता का बीजेपी पर क्या है आरोप और आपके हमले पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। तो आखिरकार ईडी को कस्टडी मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल की। अब सवाल ये उठता है कि अब ईडी की टीम क्या करने वाली है। हालांकि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए बड़ी तैयारी ईडी की तरफ से की गई है। तो सवालों की लंबी फहरिस्त अब अरविंद केजरीवाल के सामने रखी जाएगी। ईडी की क्या तैयारी है पूछताछ को लेकर के आपको इस रिपोर्ट में पूरा अपडेट दिखाते हैं। दिल्ली शराब घोटाले के केस में ईडी को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की 28 मार्च तक कोर्ट से रिमांड मिल गई है। सवाल यही है कि अब ईडी रिमांड पर क्या करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने सवालों की एक बड़ी फहरिस्त तैयार की है। आज केजरीवाल से ईडी व्यापक तरीके से पूछताछ करेगी। केजरीवाल और के कविता का आमना सामना कराया जाएगा। दोनों को सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करेगी। के कविता को ईडी सरकारी गवाह बना सकती है। केस से जुड़े कुछ और लोगों को समन देकर बुलाया जाएगा। ईडी केजरीवाल का सामना शराब घोटाले के बाकी आरोपियों से करवा सकती है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का भी आमना सामना कराया जा सकता है। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। संजय सिंह, सिसोदिया और केजरीवाल तीनों को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ की तैयारी पूरी कर रखी है और 28 मार्च तक ईडी इन सभी आरोपियों से केजरीवाल का सामना कराकर पूछताछ करेगी। बहुत संभव है कि 28 मार्च को जब ईडी केजरीवाल को पेश करेगी तो रिमांड बढ़ाने की भी मांग कर सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देशव्यापी प्रदर्शन उन्होंने कल ही ऐलान किया था। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते नजर आए। इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो भी लगातार अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जी, आज दिल्ली में शहीद पार्क में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़ा प्रदर्शन रखा गया है। हालांकि इंडी गठबंधन से भी इसमें शामिल होने के लिए अपील की है, लेकिन जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो महज ट्वीट करके इस प्रदर्शन में शामिल होने की महज खानापूर्ति कर रहे हैं, वो ये बताता है कि वो भी अरविंद केजरीवाल से कहीं ना कहीं इस मामले में दूरी बना रहे हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने हर दिन प्रोटेस्ट करने का प्लान बनाया है। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के शहीदी पार्क में इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट की अपील की है। इसमें इंडी गठबंधन के नेता भी शामिल हो सकते हैं। आईटीओ के पास मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी पार्क है, सुबह 10 बजे दिल्ली के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी पार्षद, सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और इंडिया गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं वो सभी 10 बजे शहीदी पार्क पहुंचेंगे
और वहां हम तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने के लिए शपथ लेंगे। इसके अलावा 24 मार्च को पीएम का पुतला दहन प्रदर्शन होगा, तो वहीं गिरफ्तारी के विरोध में 25 मार्च को होली नहीं मनाने का फैसला किया है। वहीं 26 मार्च को पीएम आवास का घेराव का प्लान है। 26 तारीख को पूरे दिल्ली के लोग इस तानाशाही के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने पीएम हाउस पहुंचेंगे। 26 तारीख को इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए 26 तारीख को पीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। आप प्रदर्शन में लोगों के भी जोड़ने की अपील की जा रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही दिख रही है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के आंदोलित नेताओं की तमाम यलगार के बावजूद आम पब्लिक तो कहीं नहीं दिखी। यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कोहराम को छोड़ दें तो बाकी नील बट्टा सन्नाटा ही रहा। अरे जब आज ही कोई नहीं आया तो दो तीन दिन, दो चार दिन बाद कौन आने वाला है? ये इनको जो अपने तो इस समय इनको सिर्फ मीडिया ही तवज्जो दे रही है, वरना दिल्ली